तो इसमें आप जो भी मित्र आपके हैं आसपास में उन सभी को जोड़ लीजिए। कुछ ही समय में क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है। और आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। कल की क्लास का वीडियो उपलब्ध है, अभी अभी क्लास के बाद में आपको वीडियो लिंक डाल दी जाएगी क्लास की। तो जिन लोगों की क्लास छूट जाती है या नेटवर्क के कमज़ोरी की वजह से जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो सभी क्लास का पुराना जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। वो सभी लोग जो है क्लास का पुराना लेक्चर जो है उसको देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए क्लास के कल का मैं जो ये जो इसका पीडीएफ है इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तो कल जो मैंने प्रश्न कराए थे उसका पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बाकी लोग सभी लोग इसका पीडीएफ देख लीजिएगा और इससे लाभ लीजिए। एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि ग्रुप के सभी सदस्य जिन जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं सभी को मैसेज कर दीजिए कि क्लास ज्वाइन कर लें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बेहतर क्लास पढ़ाने में मज़ा आता है। अभी टोटल 12 सदस्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आप हमें हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें भी प्रश्न मैसेज किया करिए। हमारे एक से एक सर लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सूरज सर हैं, आकाश सर हैं, जो ऑलरेडी TGT के एग्ज़ाम में PGT के एग्ज़ाम में अंडर 50 रैंक लाए हुए सर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप ग्रुप में सवाल कीजिए और आपको बेशक उन प्रश्नों का बहुत बढ़िया सटीक और सही उत्तर वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास का पीडीएफ तैयार हो गया है। मैं क्लास के एंड में कल की क्लास का पीडीएफ जो है वो मैं आपको कल की क्लास का पीडीएफ भी आपको क्लास के एंड में मैं भेज दूंगा। चलिए मित्रों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कल के सेगमेंट के साथ। कल का जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था, याद होगा आप लोगों को, जो लोग कल जो क्लास लिए हैं उनको पता होगा कि कल का जो हमारा लास्ट का टॉपिक था वो था वृत्त का एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और वृत्त का वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वृत्त है तो वृत्त का एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। कुछ मित्र जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम दिया करिए, क्योंकि इस विंडो में आना पड़ता है। यदि आपके कोई मित्र जुड़ना चाह रहे हैं, हाँ जैसे ये आए भाई साहब, तो इनको थोड़ा सा, हाँ जी, सरिया सूरज सर आए हुए हैं। हेलो सूरज सर, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्कार सर। तो ये देखिए जी, ये अपने पास में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष है तो ये ओरिजिन से जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वृत्त सेपरेटली एक्स अक्ष यहाँ से जा सकता है, ओके, ठीक है ना, एक्स अक्ष से जा रहा है अकेले और वाई अक्ष से जा रहा है अकेले। तो याद करिए, इसको याद रखिए, एक्स अक्ष पर वृत्त के द्वारा काटा गया अंतःखंड, कल मैंने बताया था 2√g²-c, ये एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है। और कल बताया था वाई अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड होता है 2√f²-c। यस सर, बिल्कुल सही, 2√f²-c, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड होते हैं। और कल एक बहुत ही बढ़िया परिस्थिति जो कि एग्ज़ाम में आती है, कल मैंने पढ़ाई थी कि अगर कोई सरल रेखा y=mx+c जो है वृत्त को स्पर्श करे, अंदर से जाए, बाहर से जाए, परवलय को स्पर्श करे, अति परवलय को स्पर्श करे, दीर्घवृत्त को स्पर्श करे, तो कल परिस्थितियाँ बताई थी मैंने, अलग अलग परिस्थितियाँ थीं वृत्त के लिए। c² = a²m² + a² था, दीर्घवृत्त के लिए c² = a²m² + b² था, और
अति परवलय के लिए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था और परवलय के लिए सी बराबर ए अपॉन एम था। इससे एक प्रश्न निश्चित है, कल भी बताया है मैंने, आज भी बता रहा हूँ, इसके बगैर टीजीटी का पेपर नहीं बनेगा। इससे प्रश्न निश्चित है और एक अभिलंब की कंडीशन बताई थी कि अगर कोई रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी यदि वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स पर अभिलंब है। सतेंद्र सर बताइए क्या बताया था मैं, अगर वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स पर अभिलंब है तो क्या परिस्थिति बताई थी मैंने सी बराबर, बताइए मित्र कल जो जुड़े थे। हाँ, सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। देखिए अगर नॉर्मली आप इसको करेंगे टेंजेंट नॉर्मल से तो बहुत समय लग जाएगा और उसमें समय तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, इसलिए इसको याद कर लें सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। ठीक है ना, अभिलंब होने की शर्त क्या है, सी बराबर माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। एक अलग से कॉपी रखी उसमें सारी शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट रिजल्ट वगैरह माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब इसको नोट कर लें। चलिए मित्रों अब आगे चलते हैं, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं स्थैतिकी एवं गतिकी के प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक। आइए क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसी उन्हीं क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से आज बता रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से आज बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि दो बल P और Q के मध्य का जो परिणामी है वो R है, तो यहाँ है बल P और यहाँ है बल Q और इसका परिणामी, इसके बीच का कोण कितना मान लीजिए आप अल्फा मान लीजिए और इसका परिणामी है R। तो क्या कंडीशन हम सब लोगों ने पढ़ी है, पहला केस बनाइए आर स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये पहला समीकरण बना लीजिए। फिर दूसरी परिस्थिति देखिए, इसको सीधे डायग्राम से ही हमसे मैं समझता जाता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ समय ख़राब होगा। दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर है ना, अगर कह रहा है कि यदि Q को दो गुना कर दिया जाए, Q का परिमाण 2 से कितना कर दिया जाए 2Q और P को वही रहने दिया जाए तो R कितना हो जाता, परिणामी दो गुना हो जाता मतलब 2R हो जाता है। तो इसके लिए समीकरण क्या बनेगा, 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर कितना हो गया 4Q स्क्वायर प्लस 2 जा 4PQ cos अल्फा, एक ही हो गया। अब तीसरी परिस्थिति, जगह थोड़ी सी कम है, तीसरी परिस्थिति है कि अगर दिशा बदल दी जाए, P की दिशा यही है और Q की दिशा प्लस की जगह उल्टा कर दिया जाए माइनस Q, तो परिणामी जो है तब भी कितना रहता है 2R रहता है। तो चलिए इसमें समीकरण लगाएंगे तो 2R का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि लोगे तो माइनस Q, ऊपर अगर प्लस Q था तो नीचे सदिश क्या लेगा माइनस क्यू, तो माइनस क्यू का स्क्वायर भी प्लस क्यू स्क्वायर आएगा मगर ये आ जाएगा 4PQ cos अल्फा। ये समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो और समीकरण नंबर तीन। अब पिछले बार जब मैंने इसको कराया था तो आपको याद होगा मैंने पहले इन दोनों को हल किया और फिर मैंने इन दोनों को हल किया और दोनों को हल करने के बाद दो नए समीकरण बने और दोनों को फिर मैंने वज्र गुणन विधि से हल किया तो अपने पास आ गया। चलिए अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको कोई एक संबंध चाहिए है तो बेस्ट क्या है भैया, समीकरण नंबर आप जो है समीकरण नंबर दो से समीकरण नंबर तीन को भिड़ा दो। ठीक है ना, आप जो है समीकरण नंबर दो से समीकरण नंबर तीन को भिड़ा दीजिए। यस, मतलब कोई भी समीकरण जो दो हैं उनको तीन से भिड़ा दीजिए। एक मिनट में ज़रा प्रश्न देख लूँ क्या कह रहा है। हाँ यहाँ पे देखिए मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे 2PQ आएगा। यस, यहाँ पे 2PQ आएगा क्योंकि 2R का स्क्वायर, ये भी गलत कर दिया मैंने, इसका परिणामी 2R है, बताइए आप लोग बताते नहीं, बताइए यहाँ पे यदि गलती होती तो प्लीज़ बोला करिए। 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ
कॉस अल्फा, भाई क्यू को डबल किया था पहले में, दूसरे में तो माइनस क्यू है ना। तो चलिए किसको किसको भिड़ाया जाए, देखिए समीकरण नंबर एक को समीकरण नंबर तीन के साथ भिड़ा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं, क्या लिखिए, एक धन तीन, एक धन तीन जोड़ देंगे। तो देखो भैया क्या था, ऊपर है आर स्क्वायर और नीचे है फोर आर स्क्वायर, कितना हो गया फाइव आर स्क्वायर। यहाँ कितना है पी स्क्वायर, यहाँ कितना है पी स्क्वायर, यहाँ कितना है क्यू स्क्वायर, यहाँ कितना है क्यू स्क्वायर, दोनों जुड़ गए टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर, टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर, एक सरल समीकरण आ गया। अब कुछ मत करिए, अब सीधे ऑप्शन को पकड़िए और आपका आंसर दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। अब आप ऑप्शन को पकड़िए, देखिए कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए तो पहला अपना माइंड सेट ये बनाइए कि हमें उत्तर नहीं लाना है, हमें उत्तर ऑप्शन से चेक करना है। पहले किसी क्वेश्चन को देखते ही नज़रिया ये कर लीजिए कि हम मेहनत नहीं करेंगे उतनी, हम उत्तर जो है ऑप्शन से निकालेंगे। तो इस जैसे इसका पहला ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है पी बाई रूट टू बराबर क्यू बाई रूट थ्री बराबर आर बाई टू। अब आपको चेक करना है कि सही है कि गलत है, रूट टू ए ऑप्शन है, कुछ बी दिया है, कुछ सी दिया है, कुछ डी दिया है, ये आपको दिए गए हैं। तो क्या करिए, देखिए आर की जगह रूट टू रखिए। अब आप कहेंगे कुछ लोग कि ये अनुपात में है, तो लो भैया एक काम करो के ले लो, ज़्यादा ज़्यादा अनुपात में ना रखना हो, और के दोनों तरफ आके कैंसिल हो जाएगा तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आर की जगह रूट टू का स्क्वायर, तो ए ऑप्शन पुट करता हूँ, तो आर पाँच और रूट टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा दो, तो पाँच दूने यहाँ क्या बनेगा दस, और यहाँ दो है पी का स्क्वायर तो दो दूने चार, क्योंकि पी की जगह टू आएगा रूट टू आएगा, और प्लस टू क्यू का स्क्वायर तो इसका आएगा तीन क्यू का स्क्वायर, और चार और दो तियाँ छः, दस बराबर दस आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। बताइए मित्रों समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, इन तीन इक्वेशन को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका यकीनन थोड़ा समय बचेगा, और सीधे आप पुट करके, और बल्कि मैं कहूँगा दो समीकरण ही आपको मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला है ना, दोनों को आपने जोड़ दिया पहले को और दूसरे को, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत, माइक ऑन करके बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी सर बताइए, माइक ऑन करके, क्लियर है सभी को? जी 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 आ गया सर समझ में। हाँ जी सर, तो सर क्लियर है। हाँ सूरज सर, थोड़ा समय तो बचेगा ना इस शॉर्ट ट्रिक से कि नहीं बचेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए सर, तो भैया अगला सवाल देखते हैं कौन करके। सर हाँ जी सर, लोकेश सर। हाँ सर, एक सर क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दीजिए। हाँ, क्वाड्रेटिक का है छोटा सा। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है। अच्छा, नेचर ऑफ रूट क्या डिस्कस करना है, चलिए बोलिए सर, प्रश्न बोलिए सर प्लीज। x माइनस टू ए एक ब्रैकेट में कर दीजिए इनटू x माइनस टू बी। इसको ब्रैकेट में कर दूं, x माइनस टू ए इनटू x माइनस टू बी है ना सर, इज इक्वल टू फोर ए बी। इक्वल टू फोर ए बी, हाँ सर, फोर ए बी। इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है, इसके रूट्स का नेचर बताना है। अच्छा सर, ऑप्शन नंबर ए है रियल, सर ऑप्शन भी रख दीजिए। हाँ, रियल, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, इमेजिनरी। पहला है रियल एंड इक्वल, एंड इक्वल हाँ, मतलब डी बराबर जीरो। दूसरा हाँ रियल, ओनली रियल, ओनली रियल। इमेजिनरी भी बोले हैं आप है ना, तो इमेजिनरी में सर रियल ना लगाइए। सही बात है, रियल में कैसे हो जाएगा इमेजिनरी, सही बात है, डी लेस देन जीरो। एक सर रियल एंड अनइक्वल, और तीसरा रियल एंड अनइक्वल, और चौथा ऑप्शन है वो रियल, ओनली रियल इक्वल, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है ओनली रियल, रियल, ठीक है। चलिए सर, तो चार मतलब परिस्थितियां, हमारे ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसको थोड़ा सा करके बताएं। आइए मित्रों, तो इसको सॉल्व करते हैं, मैं भी सॉल्व करता हूं, हालांकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं फिर भी। सर सर सर, हाँ, एक सर, हाँ सर, एक मिनट थोड़ा सर, क्योंकि सर एक मतलब एक इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये लोग थोड़ा करके बताएं ऑप्शन। चलिए सर ठीक है, कोई टफ तो है नहीं कि मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, मुझे लगा सर आपने दिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई खेल होगा इसमें। नहीं 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 सर, थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर, बिल्कुल सर, इसलिए ऑप्शन सर हमने लिखवा दिया है ना। बिल्कुल सर, चलिए मित्रों तो सॉल्व करिए, 12 लोग जुड़े हैं,
सॉल्व करिए और माइक ऑन करके रिप्लाई दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिप्लाई करें, अपना रीजन भी दें, बड़ा नहीं है मतलब, ओपन करते ही दोनों तरफ से 4A भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर 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 थोड़ा वेट करिएगा। अच्छा 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 ठीक सर, पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा आंसर की हम उम्मीद कर रहे हैं। ठीक 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 सर, क्वाड्रेटिक सर बहुत इजी माना जाता है, अगर उसकी तैयारी नहीं तो फिर मतलब टीवी की छोड़ ही देंगे। जी सर, रियल एंड अनइक्वल, चलिए रियल एंड अनइक्वल आया है एक हमारे सर का क्वेश्चन। ये आ रहा है a प्लस 4 a प्लस b, रियल हां a और b, a एंड b पॉजिटिव नंबर है इक्वल होगा, b के साथ इक्वल होगा। सर नहीं सर, a और b के लिए कोई कंडीशन नहीं सर, मेरा आंसर आ रहा है ये। हां हिना मैम आप बोलिए, क्या आंसर है आपका? जी सर, मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 4a भी आ रहा है ना, ये टर्म फिर ये ऊपर ये बन रहा है 2b plus a का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, मैंने जीरो कर दिया था, बाद में देख लेते कि ये क्या टर्म आ रहा, तो मेरा ये 4a plus b होल स्क्वायर फाइनल आंसर बताइए। सर मेरा थर्ड आ रहा है मेरा। चलिए थर्ड जी, थर्ड सर। ठीक है ठीक है, जवाब देने के बाद माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ थर्ड कह रहे हैं सर, भी थर्ड कह रहे हैं। चलिए सर, सूरज सर अनुमति है, मैं बता दीजिएगा आप, मैं सॉल्व करूं। बिल्कुल सर, अब अनुमति है सर। हाँ सर। अच्छा सर, चलिए मैं भी देख लेता हूँ। नीरज सर, अरे हमारे नीरज सर कहाँ गए भाई? नीरज सर हैं। हाँ, जी हैं। सर सर इसका आंसर बता दीजिए क्या है? 4a + 4a² means real and unequal. Is equal to 0, yes, sir. X square. X. Sir, ये कॉमन मत करिए सर, कॉमन मत करिए सर, तो कॉमन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी सर। सर डिस्क्रिमिनेंट से ये बताना है ना, नेचर मूलों की प्रकृति बताना है, डी निकालिए। अच्छा सॉल्व मूलों की प्रकृति, तो ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए सर माइनस टू एक्स कॉमन ले लीजिए सर, माइनस टू एक्स कॉमन लीजिए, ब्रेकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है सर, अब इसका डी 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 सर एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले यहाँ पर इसका कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है सर इस इक्वेशन में। हाँ हाँ सर, एक कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, मतलब इसका पक्का एक मूल तो जीरो होगा सर। कॉन्स्टेंट टर्म ना होने पर एक मूल जीरो होता, हाँ या ना सर? जी 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 बिल्कुल सर। हाँ तो भैया इसका एक मूल जो है अल्फा बराबर हो गया जीरो, ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। हाँ सर, हाँ सर, इसका डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए चलिए डी निकालता हूँ, आप कह रहे हैं डी निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और सी तो है 0 सर, है ना? तो डी बराबर 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि सर धनात्मक आ रहा है सर देखा जाए तो, क्योंकि 4 भी धनात्मक है और ए और बी की वैल्यू से बेपरवाह जो है अपना, ये भी धनात्मक आ रहा है सर, है ना? हाँ सर, सर तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर, हाँ किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है, हाँ ए प्लस बी रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी भी एक रियल नंबर है। हाँ, और रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है या ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होता है, यही हमारे ये पार्टिसिपेंट्स लोग बता दें। रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो? ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है सर, क्योंकि रियल नंबर ऋणात्मक अगर हो गया माइनस रूट टू प्लस रूट टू हो गया। अगर अगर सर ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि हमारा ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। बिल्कुल सही सर, इसका आंसर डी। अगर हम सर 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 अगर हम यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दें कि ए इज स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। मैडम 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 सुनिए सर, सर सर एक चीज है कि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा।
मैडम देखिए नहीं सही बोल रहे हैं, आंसर सही है, ये आप समझाएंगे। देखिए देखिए मैडम, माइनस सर माइनस माइनस में वैल्यू लेंगे प्लस में ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो के स्क्वायर अगर माइनस रूट टू और प्लस रूट टू यदि दिया है होल स्क्वायर बराबर जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मैडम। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ए और बी की वैल्यू का कुछ पता नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और क्वेश्चन ने घुमा दिया, ऑप्शन फोर ही सही है। हाँ सूरज सर आंसर फोर सही है क्या सर? ये सर डिस्कशन का मैटर है ना सर, सारे लोग बताएं सहमति अपनी दें इस पे, यहाँ 10 12 13 मैथमेटिक्स नहीं नहीं बिल्कुल सहमत है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जीरो भी हो सकता है, जीरो ग्रेटर देन भी होगा सर। बस यहाँ पर देखिए ए और बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दी गई है, अगर ये बोल दे सर कि ए नेगेटिव है तब तो एग्जैक्ट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा 100%, मैं खुद कह दूंगा। अगर बोल दे कि ए पॉजिटिव है तब भी, लेकिन ए और बी के लिए कुछ नहीं बोल रहा है ना सर। बी के लिए ज्यादा चांसेस बन रहा है क्या? हाँ सर बी के लिए ज्यादा चांसेस बन रहा है। नीरज सर क्या कह रहे हैं सर? डी कह रहे हैं, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन कह रहे हैं सर, ऑप्शन डी है ना सर। ये ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा ना सर। जी सर, लोकेश सर ने कहा ना कि अगर रियल वैल्यू अलग अलग लीजिए, जैसे ए की वैल्यू उन्होंने लिया अंडर रूट टू, बी की वैल्यू माइनस रूट टू लिया, तो उसके अंदर जीरो आ रहा है। वन ले लीजिए दूसरा माइनस वन ले लीजिए तब भी जीरो हो जा रहा है। एक रियल नंबर उन्होंने लिया कंसिडर किया जनरली जीरो आ रहा है, और ऐसे केस जब भी आएंगे जीरो आएगा, और उसके अलावा कोई नंबर लेंगे स्क्वायर है तो जीरो से बड़ा आएगा, तो जीरो के बराबर जीरो से बड़ा, जीरो बताइए। सूरज सर सस्पेंस खत्म कीजिए, बताइए सही उत्तर क्या है। एक्चुअल में सर इसको सॉल्व कीजिए, ओरली आंसर बोला था सर, आंसर बताएंगे क्या है? डी ये फोर ऑप्शन सही है इसका, ओरली सॉल्व किया था हम लोगों ने इसीलिए इसको नहीं देख पाए डीपली, फोर ऑप्शन सही है। सूरज सर हाँ 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 सर, अरे बस बताइए सर सस्पेंस खत्म कीजिए, बताइए क्या? अरे नहीं सर बताना क्या है सर, सारे लोग देखिए फोर ऑप्शन पे टिक मार रहे हैं। हाँ देखिए हम लोग देखिए चीजों को हम लोगों ने एकदम मतलब रियलाइज फील कर लिया ना कि ए और बी के बारे में कुछ शर्त नहीं दी गई है, अगर अगर हमको दे दिया गया कि ए पॉजिटिव है तब तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव दे दिया, ए नेगेटिव दे दिया तब भी नेगेटिव 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 आएगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तब भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, लेकिन इसमें ए और बी पे कंडीशन नहीं दिया है, सो वी कैन से दैट ए प्लस बी का होल होगा दैट विल बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मींस ए ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और इक्वल जीरो। हां सर हां, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। चलिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ, थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ तो सर जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने यहाँ पे बताया हम लोगों को, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये अगला प्रश्न एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे सर, ऐसा क्वेश्चन और कोई हो तो बिल्कुल डिस्कस कीजिए करिए सर, ऐसे बता ही देंगे आप तो मैं लिख दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कंटिन्यू करूँ सूरज सर, इजाज़त है? सर ने लेफ्ट कर दिया। अच्छा अच्छा सर लेफ्ट कर दिए हैं, ठीक। चलिए ठीक है, ये तो सर खतरनाक सा क्वेश्चन है। क्या सर? ये वाला क्वेश्चन जो कल कराया था? हाँ जी सर, ट्रिग्नोमेट्री वाला। मैं तो कल नहीं था, आज ही ज्वाइन किया हूँ। हाँ सर वो तो हो गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। मैं आज स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स लेके चल रहा था, तो अगला क्वेश्चन देखिए TGT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो बल हैं कुछ इस तरीके से हैं कि कंडीशन पहले दी गई है, कंडीशन दी गई है पी स्क्वायर अनुपाते क्यू स्क्वायर अनुपाते आर स्क्वायर इक्वल टू 2:3:x दिया गया है। अब आगे का सवाल सुनिए, आगे का सवाल ये कह रहा है कि दो बल हैं पी और क्यू जिसका परिणामी सदिश आर है। तो दो बल पी और क्यू का परिणामी सदिश आर है, तो आप यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले
आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ अल्फ़ा, दोनों के बीच का कोण अगर अल्फ़ा है तो कॉस ऑफ अल्फ़ा आपने यूज कर लिया। दूसरा फिर से वही कंसेप्ट है कि अगर q को दो गुना कर दिया जाए और तो r भी दो गुना हो जाता है, तो क्या बनेगा भैया, 4q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 22 जा 4pq cos अल्फ़ा, दूसरा समीकरण ये बन गया। तीसरा कहता है कि अगर q को पलट दिया जाए, माइनस q हो गया और r भी क्या हो जाता है, 2r हो जाता है, यहाँ पे r लिखना था गलती से, ये भी r हो गया, ये r है भैया, तो क्या बनेगा समीकरण अपने पास में, 4r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos अल्फा, समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण बने हैं और क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो अभी मैंने जो ट्रिक सिखाई इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जो जो आपको सिंपल दिख रहे हैं जोड़ दीजिए, तो r स्क्वायर 4r स्क्वायर कितना हो गया 5r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर ये कितना हो गया 2p स्क्वायर और q स्क्वायर कितना हो गया 2q स्क्वायर, ठीक है ना, ये जोड़ करके आपने ये प्राप्त कर लिया है। अब देखिए आपके सामने क्या क्या दिया गया है, आपके सामने r स्क्वायर के समानुपाती जो है x दिया गया है, तो जहाँ r स्क्वायर है वहाँ x पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 5x, p स्क्वायर की जगह कितना दिया गया है 2, तो 2 इंटू 2 और q स्क्वायर की जगह कितना दिया गया है 3, तो 2 इंटू 3, तो 5x इक्वल टू 4 और 6, 5x बराबर हो गया 10 के, तो x बराबर 10/5 मतलब कितना 2, तो आंसर होगा x का मान 2। और जिन मित्रों को याद हो, जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली थी उनको याद होगा यदि, तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत बड़े तरीके से किया था, इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी बड़े तरीके से किया था पहली या दूसरी क्लास में, जो लोग रहे हैं उनको याद होगा, परंतु आज इस शॉर्ट ट्रिक से ये काफ़ी जल्दी हो गया। तो बताइए मित्रों समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, हेलो बोले मित्रों, माइक ऑफ कर माइक ऑन करके बोल दिया करिए, यस ये आपका बोलना साउंड वगैरह आना हमारे कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, प्लीज़ बोलिए, समझ में आ गया ये? हाँ जी सर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 12 लोग जुड़े हैं भैया, आप लोग बात करते रहिए, बीच बीच में बोलते रहिए, है ना, जब हम पूछते हैं आपसे तो आप लोग प्लीज़ बोल दिया करिए भाई, पता तो चले हमें कि आप लोग सब लोग हैं कि नहीं है। अगला सवाल लिखिए, अगला सवाल है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, हाँ 2003 TGT का प्रश्न है ये, तो आपको क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए दिए आपको एक मिनट, जल्दी से सॉल्व करिए, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, तो आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस वन। सर बड़ा जल्दी आ गया, अभी कर लिया कि पहले किया हुआ है सर? चलिए सर बिल्कुल सही आंसर है सर इसका, माइनस वन। आइए मित्रों देखते हैं कैसे करेंगे, तो मैं इसको उल्टे तरफ से लिख लेता हूँ, लॉग एक्स प्लस वाई बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x + y और फिर x का 1 और यहाँ डी बाई डी एक्स, फिर साइन एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और x का हो जाएगा 1 और प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है, इसको खोल दीजिए तो 1/x + y प्लस डी बाई डी एक्स 1/x + y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस वन आएगा सर, डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, हाँ सर माइनस वन ही कहा सर ने। चलिए अब यहाँ से डी बाई डी एक्स यदि आप कॉमन ले लें तो देखिए 1/x + y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1/x + y, ये इसके नेगेटिव में जाएगा अपॉन में जाएगा तो इसको माइनस वन टाइम्स काटेगा, तो आंसर लिखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, बिल्कुल सही है। चलिए मित्रों बताइए आगे चलें क्या, इजाज़त है?
चलिए धन्यवाद, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए कीजिए। चलिए करिए मित्रों इसको। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन कीजिए। वन होगा, बिल्कुल सही सर। इसको देखते ही आंसर सूझ गया कि करके देख करके बताए देखते ही आ गया। देखिए सर, वाई वन जो है वो है साइन इनवर्स एक्स, और ये जो भैया वाई टू है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स की। और जब कोई किसी फंक्शन का खुद के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे एक्स का डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो उत्तर कितना आता है? वन। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? वन आएगा। और याद रख लीजिए कि अगर कोई एक्स इज इक्वल टू अगर साइन थीटा भी रख दें तब भी सर सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे तो वाई वन बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा है ना, एक्स बराबर साइन थीटा रख देंगे तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और थीटा आप जानते हैं क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और दूसरा फंक्शन वाई टू बराबर वन माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा भैया कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, साइन इनवर्स एक्स फिर से बच गया। जब दोनों फलन समान हैं तो अवकलन कितना होगा भैया? वन होगा। चलिए अगला सवाल, ठीक है ना। तो ये सवाल जो सर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, दोनों फलन एक रहते हैं और निकालने को दे देते हैं, विद्यार्थी थोड़ा सा समय लगा देते हैं, कोई कोई क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं वन अपॉन टू फूल ले करके समय ख़राब करते हैं। परंतु ये मन में ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके से ये प्रश्न किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आपके पास कोई बिंदु P दिया गया है 2,3 और इसका आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है लंब पाद के निर्देशांक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एच कॉमा के मान लो। और आपको ये रेखा क्या दी गई है? ये रेखा दी गई है 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। चलिए दिए आपको 2 मिनट, जल्दी से इसका उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए, है ना, इसके उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। लंब पाद का निर्देशांक निकालिए। फाइव बाई है, थ्री बाई कितना सर? 5/3 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल सही, और एक हम इसमें परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करके और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही सर, वो भी कर सकते हैं। तो हम सर, जाएंगे शॉर्ट मेथड की तरफ, शॉर्ट मेथड की तरफ जाएंगे। तो शॉर्ट मेथड इसकी याद करिए, स्लोप निकाल के भी तो कर सकते हैं, दोनों का स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सर, अगर ये बिंदु एक्स वन, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ये एक्स वन वाई वन है। सूरज सर वापस आ गए आप? हाँ सर,
हेलो। हाँ हाँ सर हाँ सर, आप हमको इन तीन जी सर ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप ऑप्शन से वो पॉइंट उठाइए जो लाइन को सेटिस्फाई कर जाए, बिल्कुल सही ऐसा बात करके बताइए, पॉइंट होगा। बिल्कुल हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बात, बिल्कुल सही। ऑप्शन से पॉइंट उठाइए जो लाइन दी गई है उसको जो सेटिस्फाई कर जाए, एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कोई, यस बिल्कुल और सही वो बात पॉइंट सर सेटिस्फाई है। कर जाएगा। हाँ सबसे पहले ऑप्शन से देख लीजिए कि ऑप्शन से क्या कोई पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। इससे आसान सर कोई मेथड नहीं हो सकता, ये फटाफट आप चेक कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सर, 100% बिल्कुल सही बात है। और मैं मान लीजिए सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल सर मान लीजिए कि हमारी बहुत ही मतलब कि बेकार किस्मत है, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए लाइन को, क्योंकि लाइन पे भाई बहुत सारे पॉइंट हो गए, मान लीजिए दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए, तो जिस पॉइंट से पॉइंट पी का स्लोप निकालोगे, जैसे ये लाइन का स्लोप 4/5 है, दिख रहा है सीधे माइनस ए बाई बी से, लाइन का स्लोप 4/5 है, तो जिस पॉइंट से इस लाइन का जो स्लोप निकलेगा, मान लीजिए वो पॉइंट 5,3 है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो स्लोप निकलेगा बस वही वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा बाकी कई सारे अप्रोच करने के। हाँ मतलब सर आपने कहा कि यदि यहाँ पर स्लोप लेस लाइन का 4/5 आ रहा है तो हमें वो हाँ पॉइंट सेलेक्ट करना है जिसका स्लोप जो है माइनस जिससे पाँच बटे स्लोप, चार आ हाँ, जाए। और स्लोप सर चेक करना हमारे लिए बड़ा आसान रहेगा सर, मतलब कि वो y1 - y2 जो होता है उसी बिल्कुल से सही सर, बिल्कुल सही। अपान x1 - x2। हाँ मित्रों तो ये स्लोप तो तब चेक करना है जब कोई दो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई कर जाएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज एक पॉइंट पे ही आंसर आ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को देखने के पहले ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। और रही बात अगर हाँ। इसके एक फॉर्मूले की, तो एक बार मैं अफसर ने इसे वैसे बता ही दिया है, अगर इस पॉइंट को अपन x1 y1 कहते हैं है ना, तो ये जो अपना फॉर्मूला होता है ये होता है देखिए एच माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू ए एक्स वन, यहाँ पे माइनस लगाइए, माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर करके, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगा। नहीं सर स्क्वायर रूट में नहीं आता, ये फ्री रहता है सर, वो वो लंबवत दूरी में आता है स्क्वायर रूट में, यहाँ पे ये बाहर रहेगा सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सर मैं बता दूँ आपको इसमें एक और फार्मूला, अगर आपको यहाँ पर यदि इसका प्रतिबिंब चाहिए हो, तो प्रतिबिंब चाहिए हो तो ट्वाइस हो आपको जाता यहाँ है, पे ट्वाइस करना है। तो यदि प्रतिबिंब ट्वाइस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है तो वही एच माइनस एक्स वन ट्वाइस अपॉन ए के माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस तो यहाँ पर यदि इस समीकरण को अभी आप यदि इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर बता देता हूँ, आपका जो h का निर्देशांक आएगा वो आएगा 78/41 और y का निर्देशांक आएगा 128/41। ठीक है, तो यहाँ पर जो है h और k के निर्देशांक इस प्रकार से आएंगे। ठीक है सही बन जाएगा, सभी को करके बताऊँ या अभी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन तो उपलब्ध नहीं है, है ना, बाकी ऑप्शन पुट करके देख लीजिए यही आएगा, ये ऑप्शन भी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं लाइन को। बोलिए बन जाएगा, आगे चलें, हो जाएगा सर। चलिए ठीक है, अगला सवाल जो है प्रतिबिंब का मैंने बता दिया आपको ये वाला, और इसका भी बता दिया है, अगला सवाल देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत कॉमन सवाल है ये, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। लिखिए रेखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, रेखा वाई बराबर एक्स प्लस सी यदि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी को व्यक्त करे, बराबर पी को व्यक्त करे, तो चार ऑप्शन है भैया, सी व पी में संबंध बताना है, ठीक है ना। तो सी बराबर क्या होगा, सी का मान क्या होगा आपको बताना है पी और एम के पदों में, मतलब चार ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, सी बराबर पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + m² सी बराबर पी अंडर रूट 1 + m² सी बराबर पी अपॉन 1 + m², ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए लीजिए समय, सॉल्व कीजिए।
चलिए हो गया किसी का सॉल्व। हाँ सो जो पी अंडरवुड वन प्लस एम स्क्वायर होगा सर, ये वाला सेकंड ऑप्शन। कैसे आया बताइए सर। सर मतलब मैं जो देख पाया ये वाई इक्वल टू एम एक्स सर्कल का बन गया सर ये। हाँ सर ये सर्कल की इक्वेशन कंडीशन होती है सर। सर हाँ सर एक्स कॉस अल्फा का टेंजेंट कंडीशन होता है सर, बताएं। हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ बताइए सर कैसे आया ये कैसे आया सर इस लाइन को सर्कल का। सर 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 मैं सूरज सर से पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं एक एक करके जवाब लेता हूँ। सूरज सर पहले आप बता दीजिए। जो y is equal to mx plus c के फॉर्म में जब लिखेंगे जो उसका c इंटरसेप्ट है दैट विल बी p अपॉन sin अल्फा जो आपने अभी लिखा है जी, उसका मतलब वो p cos अल्फा हो गया जी। बिल्कुल p cos अल्फा हो गया। cosec अल्फा का मतलब अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा। ठीक है सर। एंड ये जो माइनस cot अल्फा जो अभी आप लिखे ना ये m है सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हो गया माइनस कॉट अल्फा एक्स और ये हो गया पी कॉसेक अल्फा। जी हाँ एम मिल गया हमको, माइनस कॉट अल्फा एम है ना सर, तो पी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर था ना, तो कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक की वैल्यू। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए वाई इक्वल टू, यदि एम एक्स प्लस सी से तुलना की जाए तो एम इक्वल टू है माइनस कॉट अल्फा और c इक्वल टू है हमारे पास कितना सर, पी अपॉन साइन अल्फा यानी कि p कॉसेक अल्फा। चलिए अब हम जानते हैं हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो देखिए जो हमारे पास कॉसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी होती है, यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू रख सकते हैं c अपॉन p। तो c कॉट की वैल्यू ये m स्क्वायर हो गया 1 प्लस m स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू रख देते हैं c अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। क्यों सर ठीक है? नहीं नहीं सर m स्क्वायर, ओनली m स्क्वायर, सॉरी ओनली m स्क्वायर है। तो c स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लीजिए तो c इक्वल टू p बाहर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और ये ऑप्शन अपने उसमें था। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, c इक्वल टू p अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है मित्रों आ गया समझ में, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ क्लियर है सर। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखिए जी, अगला सवाल है रेखा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 तथा a प्लस b बराबर 10। तो इस रेखा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ, मध्य बिंदु का बिंदुपथ बताइए। बहुत ही सरल सवाल, इस रेखा के मध्य बिंदु का बिंदुपथ चलिए बताइए। देखिए तो कुल मिला के रेखा का अंतःखंड स्वरूप दिया गया है, तो ये पॉइंट क्या होगा a कॉमा जीरो और ये पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा b। आपको इसके मध्य बिंदु का बिंदु पथ बताना है, तो मध्य बिंदु क्या मान लीजिए h कॉमा k। तो मध्य बिंदु की प्रॉपर्टी से h बराबर क्या होगा a बाई टू और k बराबर क्या होगा भैया b बाई टू, दोनों को जोड़ करके एच बराबर के बाई टू और ये बी बाई टू, तो a बराबर कितना हो गया 2h और b बराबर कितना हो गया 2k। यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, a की जगह 2h, b की जगह 2k बराबर 10, दो लेके कॉमन काट दीजिए, h प्लस k बराबर 5, h की जगह x, k की जगह y बराबर 5, समीकरण कितना आ गया x प्लस y बराबर 5, नोट कर लीजिए। तो ये है आपका समीकरण x प्लस y बराबर 5। डन, क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए अगला समीकरण, अगला क्वेश्चन।
कभी सर इसी क्वेश्चन में कभी कभी दिया होता है हाँ कि जो ये पॉइंट एच कामा के था इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। बिल्कुल सही, फिर खंडशः फार्मूला लग जाएगा सर। 2:3 हाँ, तब इसको सर जो इसका रेशियो लेते हैं नीचे से लेते किस तरफ से लेते हैं? नीचे से। हाँ हाँ नीचे से, क्योंकि पहला एक्स अच्छा का रेशियो होता, दूसरा वाई अच्छा का। बस बस यही चीज सर यहाँ बताना था और कुछ नहीं। जी सर। देखिए 2:3 कभी कभी लोग क्या करते हैं ऊपर से लेते हैं, ऊपर 2 नीचे 3, तो इक्वेशन उल्टी आने लगती है, गड़बड़ हो जाती है। जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लिखिए है। यदि मूल बिंदु को ए कॉमा बी पर स्थानांतरित कर दिया जाए, यदि मूल बिंदु जो है 0,0 इसको स्थानांतरित करके यदि मूल बिंदु को हम शिफ्ट कर देते हैं ए कॉमा बी पर, तो एक्स अपॉन ए और प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 का नया समीकरण क्या होगा। कल मैंने बताया था मूल बिंदु की शिफ्टिंग बताई थी कल मैंने, उसको सॉल्व करके बताइए। एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी बराबर 2 का नया समीकरण क्या होगा। बराबर 4 हो जाएगा सर यही। चलिए देखते हैं। y upon b is equal to हो जाएगा 6। कल मैंने बताया था नया निर्देशांक, कल हमने बताया था जो नया निर्देशांक होता है वो होता है x बराबर x प्लस h, ये बताया था, और कैपिटल y बराबर होता है स्मॉल y प्लस k। तो आज जो नए निर्देशांक आएंगे वो x की शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है, a पे, तो ये हो जाएगा x प्लस a, और कैपिटल y बराबर कितना हो गया भैया, y प्लस k, ये हो गया। तो अब जो नया समीकरण बनेगा, ये जो नए निर्देशांकों में जो समीकरण बनेगा वो कितना बनेगा अपने पास में, अपने पास में समीकरण बनेगा अब नया वाला x पुट होगा इसके जगह पे, नया वाला x होगा, तो x प्लस a अपॉन a, और नया वाला समीकरण y प्लस बी अपॉन बी। देखिए आप तमाम तरीकों से याद करोगे उसमें आपको कन्फ्यूजन मिलेगा, सीधे आपने इसको h कॉमा k पर शिफ्ट किया सर, है इसमें कैपिटल x में मूव करेंगे ना सर, इसको क्या सर, कैपिटल x में चेंज करेंगे ना, x में बनेगा कैपिटल x माइनस a आना चाहिए ना सर, कैपिटल x माइनस a डिवाइडेड बाय a आना चाहिए ना सर। सर 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 सुनिए, स्मॉल x को ऑलरेडी इक्वेशन दिया है ना, सुनिए फिर सुनिए, फिर आप क्या करिए, फिर आप जो है वो जो ये जो है कैपिटल एक्स में आएगा समीकरण, रुक जाइए इसको जो है सुनिए सर ये जो मैंने रखी है ना यहाँ पे, इस स्मॉल एक्स की वैल्यू नहीं रखनी है सर इसमें, ये यहाँ पे वैल्यू इसी पद में आएगी सर, इसी पद में आएगी, नहीं तो फिर आप वो वाला फार्मूला माइनस एच वाला फार्मूला आप याद करके आए हैं कि स्मॉल एक्स बराबर होता है माइनस एच, तो मैं ये दूसरा फार्मूला है सर, सीधे सीधे नए कोऑर्डिनेट में ये फार्मूला बन जाता है, मतलब नए पद में जो फार्मूला बनता है वो बनता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, और एक्स की वैल्यू एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी इक्वल टू 2, ये हो गया। तो एक्स अपॉन ए प्लस ए अपॉन ए मतलब 1, और वाई अपॉन बी प्लस 1 इक्वल टू 2, तो 1 से ये कैंसिल हो गया, आंसर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। नोट करिए, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, आप जो फॉर्मूला कह रहे हैं ना जी, वो x माइनस h वाला होगा है ना, तो हम उसको सेंटर जो गिवन होते हैं ना h कॉमा k, शिफ्टिंग में माइनस h हो जाता है। हाँ जी। हाँ तो आप फिर आप कहते हैं कि देखिए नया कोऑर्डिनेट बराबर पुराना कोऑर्डिनेट माइनस एच, तो पुराना कोऑर्डिनेट बराबर कैपिटल नया प्लस एच, ये हो गया सर। लोकेश सर। हाँ सर। ये जो ओरिजिन शिफ्ट कर दिए, जैसे मान लीजिए ओरिजिन को मैंने 1,2 पे शिफ्ट किया ना सर, हाँ, तो जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा, मान लीजिए कि अब हम अगर 5,7 का कोऑर्डिनेट पहुंचते हैं तो उसमें 1,2 माइनस कर देंगे, 5-1 और 7-2 कर देंगे, तो ये सर जो x अपान ए प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2 लिखा है, हाँ, इसके लिए जब नया समीकरण बनाएंगे तो कैपिटल x इज इक्वल टू जो x प्लस आपने लिखा है, हाँ, और कैपिटल y इज इक्वल टू y प्लस k लिखा है, वहां से स्मॉल x की वैल्यू और स्मॉल y की वैल्यू हम निकालेंगे, तो स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल x माइनस से होगी और स्मॉल y की वैल्यू कैपिटल y माइनस के होगी, ये वैल्यू वहां रखी जाएगी
तब सर ये नया वाला इक्वेशन नए एक्स और नए वाई में कन्वर्ट होगा। मैं समझ गया वो इक्वेशन पूछा जा रहा है सर। सर सर जो जो जैसे हमारे पास जो ऑप्शन थे जो हमें एग्जाम में ऑप्शन दिए गए हैं वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के पदों में दे दिए गए हैं, वो तो कुछ भी हो सकते हैं सर क्योंकि वो वेरिएबल है ना। वो तो वेरिएबल है। अब मैं समझ गया जो आप फॉर्मूला कह रहे हैं वो होता है इस कैपिटल एक्स नया कोऑर्डिनेट बराबर पुराना कोऑर्डिनेट माइनस एच, है ना सर? हाँ, और नया वाई बराबर पुराना वाई माइनस के, यही ना सर? यस सर। हाँ तो स्मॉल एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इक्वल टू है वाई प्लस के, ठीक है सर? हाँ सर एक बार ऑप्शन देख लीजिए सर, ऑप्शन क्या क्या है इसके? सर ऑप्शन इसका दिया गया था, ऑप्शन इसका दिया गया था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो। सर इसके ऑप्शन स्मॉल में ही दिए गए थे दरअसल, तो हालांकि गलती उनकी है, इसके ऑप्शन इसके ऑप्शन कैपिटल में होने चाहिए। इसमें आंसर है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू जीरो, ये वाला आंसर। और भी सर थ्री ऑप्शन और होंगे ना? बस सर एक में वन है, एक में टू दिया है, एक में माइनस वन दिया है। हाँ एक में वन दिया है, एक में टू दिया है, एक में माइनस वन दिया है। फोर किसी में नहीं है ना? नहीं किसी में नहीं सर। फोर नहीं दिया ना तो सर ऑप्शन नहीं, फोर नहीं दिया सर आपका ऑप्शन सही है सर। हाँ ये वाला आंसर है सर, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन लोकेश सर ये पूरा क्वेश्चन लिखिए एक बार, पूरा क्वेश्चन क्या है सर एक बार हम देखना चाहते हैं। सर मैं आपको मोबाइल से स्क्रीन इसका वो लेके भेज देता हूँ, है ग्रुप नहीं, में नहीं हाँ। एक बार पढ़ दीजिए सवाल, मतलब एक बार पढ़ दीजिए वही चीज केवल। यदि मूल बिंदु को ए कॉमा बी पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी का नया समीकरण क्या होगा? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है ना। मैं आपको सर एक बार इसमें और मैं ये मैंने ग्रुप में डाल दिया सर। ठीक 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 है सर, ठीक है समझ गए सर। ये लीजिए सर प्लीज़, इसको सर आप अपने लैंग्वेज में भी इसको सॉल्व करके मैं चाहूँगा भेजिए सर एक बार, है ना? हो गया सर, ठीक है देख लीजिए सर। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करिए आप लोग सभी लोग, बहुत ईजी सवाल है आया हुआ क्वेश्चन TGT में। कह रहा है a प्लस आई बी बराबर टेन एक्स प्लस वाई है, टेन एक्स प्लस आई वाई है, तो बताइए 2x टेन 2x का मान क्या होगा? तो टेन 2x का मान क्या होगा? चलिए बताइए टेन 2x का मान क्या होगा? 2a अपान 1 प्लस a ओ सर ऑप्शन ये 2a अपान 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है क्या? हाँ हाँ जरूर ऐसा ही कुछ होता है सर। हाँ 2a अपान 1 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a अपान 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छा आंसर बताया सर आपने। देखिए ये दिया है तो उसका कंजुगेट ले दीजिए, तो a माइनस आई बी बराबर 10 प्रॉपर्टी होता है x माइनस आई वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से x प्लस आई वाई निकाल लीजिए और x माइनस आई वाई निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो x प्लस आई वाई और प्लस x माइनस आई वाई बराबर टेन इनवर्स a प्लस आई बी और प्लस टेन इनवर्स a माइनस आई बी, ठीक है ना। आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया सर, यहाँ आ गया 2x बराबर, अब टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला a प्लस b, तो a प्लस आई बी और प्लस a माइनस आई बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी, तो यहाँ प्लस है बीच में तो माइनस आएगा, तो 1 माइनस देखिए वैसे क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, हाँ क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। यही गलती बच्चों से होती है, यहाँ पे प्लस करे आते हैं, वो ऑप्शन में भी रहता है। आई बी से आई बी कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर हो गया tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए tan 2x, तो 2a tan को इधर लाइए, तो tan 2x इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नोट कर लीजिए।
ठीक है मित्रों, आ गया समझ में? यस सर। हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल आते ही आते हैं, इनको भी करके चले जाएं, इतना कर ले कि याद हो जाए तो ज़्यादा फायदा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन है, यदि जेड बराबर ई की पावर आई थीटा, बहुत ही जाना माना क्वेश्चन, सूरत सर आपको याद होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन, जेड बराबर ई की पावर आई थीटा, तो जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन का मान क्या होगा? जेड स्क्वायर माइनस वन और जेड स्क्वायर प्लस वन का मान क्या होगा? साइन हाइपर नहीं, टेन हाइपरबोलिक ई थीटा, नो नो थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा आना चाहिए सर। नहीं सर। चलिए देखिए कैसे करेंगे, आप जानते हैं जेड बराबर ई की पावर आई थीटा है, तो जेड स्क्वायर मतलब ई की पावर आई थीटा का होल स्क्वायर, बोले तो ई की पावर टू आई थीटा बराबर ई की पावर आई इंटू टू थीटा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी जो है, ई की पावर आई इंटू टू थीटा माइनस वन अपॉन ई की पावर आई इंटू टू थीटा और प्लस का वन। अब एक काम करिए, ई की पावर थीटा कॉमन ले लीजिए क्योंकि दो थीटा है इसके पास में, तो ई की पावर थीटा यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ई की पावर आई थीटा और माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा, और नीचे से भी ई की पावर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ई की पावर आई थीटा, ओके, और कितना प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। अब लगा दीजिए यूलर का फार्मूला, यूलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और है ना, माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई साइन थीटा, और नीचे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। चलिए देखिए, यहाँ से आई साइन कैंसिल, यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर आया टू आई साइन थीटा और नीचे अपॉन टू कॉस थीटा, टू से टू कैंसिल, आंसर नोट करिए आई टेन थीटा। सर जी सर, कहिए। हाँ सर कहिए। इसको हम टेन हाइपरबोलिक थीटा भी तो बोल सकते हैं सर, आई टेन थीटा को। अच्छा सर, सर मेरे को यही मैंने आंसर ओरली बताया था आपको, मेरे यही को आंसर बताया था मैंने, मेरे को वैल्यू पता नहीं है सर, मेरे को वैल्यू पता नहीं है, मैंने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बोला। अगर आप ये वैल्यू कंफर्म है सर आपको होती है? कंफर्म नहीं सर, 10 हाइपरबोलिक थीटा का फार्मूला सीधा सीधा होता है, ई की पावर माइनस थीटा माइनस ई की पावर थीटा अपॉन आई थीटा वाला सीधा सीधा फार्मूला होता है सर, 10 हाइपरबोलिक। जी सर, जी सर होता है। नहीं, हाइपरबोलिक थीटा का मान होता है सर कितना, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा माइनस आई डिवाइडेड बाय e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस माइनस आई थीटा पावर माइनस आई थीटा। अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए मैंने ओरली डायरेक्ट बताया था 10 हाइपरबोलिक थीटा आंसर इसका आएगा। ये सर, ये जो फार्मूला लिखवाया जा रहा है ये फार्मूला गलत है सर। सर मेरे को भी गलत लग रहा है क्योंकि आई नहीं होता सर इस फार्मूले में, आई नहीं होगा सर, आई नहीं होगा क्योंकि सर साइन एच एक्स का फार्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और कॉस एच एक्स का होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और दोनों को डिवाइड कर देंगे सर तो टेन एच एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। क्यों सर, सही है ना? आई आई नहीं होता। यस यस सर, सहमत हूँ आपकी बात से, आई नहीं होता। सहमत हूँ, आई नहीं होता वहाँ पे। हाँ सर, ये आई टेन थीटा आएगा, ये फॉर्मूले हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सर, ओके सर। हाँ सर बोलिए सर, साइन एच एक्स वाला जो फार्मूला है, हाँ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपान में दुई आई होता है, दुई आई होता है सर, दुई आई होता है ना? नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है सर, मेरे को नहीं लग रहा है कि दो आई होता है। हाँ, हाइपरबोलिक फंक्शन इमेजिनरी नहीं होता मेरे ख्याल से सर, इमेजिनरी होता है सर हाइपरबोलिक फंक्शन।
सर साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या? सर मेरे को चेक करने दीजिए, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए सर एक सेकंड। हाँ जी सर, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे जैसा था मैंने आपको बताया, एक बार चेक कर लीजिए सर मेरे को, हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला देख ले लीजिए क्या होता है, दो आई है कि नहीं है। जहाँ तक मेरी सही तरह की हाइपरबोलिक से मुझे नहीं होता, नीचे आई नहीं होता सर। हाँ सर, दोनों में नीचे आई नहीं होता, ना तो साइन हाइपरबोलिक एक्स में होता है और ना ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स में होता है। आप हाँ सर, नहीं होता सर, बिल्कुल सही, चेक कर लिया सर, चेक कर लिया सर, आई नहीं होता सूरज सर। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल सही है सर, जो फॉर्मूले लिखे हैं अपन ने ये वाला फॉर्मूला सही है, साइन एच एक्स और कॉस एक्स का, आई नहीं होता सर। ओके सर, ओके ओके, मैं भी सर आई। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, बढ़िया सर, यही संवाद होना चाहिए। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, यदि मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बराबर मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन, पाई बाई टू, बिल्कुल गलत जवाब, वो सर मॉड जेड वन प्लस जेड टू बराबर मॉड जेड वन माइनस जेड टू वाला क्वेश्चन है। देखिए सर कैसे करेंगे, मॉड जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर करिए तो यहाँ भी आएगा मॉड जेड वन प्लस मॉड जेड टू का होल स्क्वायर, सॉरी अब इसको ओपन कर दीजिए तो ये होता है मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस टू मॉड जेड वन मॉड जेड टू। इसके जैसे दिखने के लिए ये वाला पार्ट होना चाहिए वन, यानी कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर वन, इसका मतलब ये हो जाएगा वन को जगह कॉस जीरो, कॉस जीरो मतलब थीटा वन माइनस थीटा टू बराबर जीरो, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बराबर जीरो, इसी को लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, इसी को लिख सकते हैं हम आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड टू, ठीक है। अब जो आगे इसके बाद जो आपने जवाब दिया था सर कि वो कब होगा 90 डिग्री, उसका आंसर है अगर मॉड जेड वन प्लस जेड टू बराबर बोला गया है जेड वन माइनस जेड टू, ये है तो उस समय आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू पाई बाई टू होगा, इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू बराबर कितना होगा पाई बाई टू, क्यों, क्योंकि इसको खोलोगे तो इसमें भी आएगा जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर। इसके पहले सर जो लिखे थे कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन लिखी थी क्या? हाँ बिल्कुल सही सर, कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन है वो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर में अलग अलग दूरी का सम। हाँ ठीक है सर, कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन है ये, अगर मॉड जेड वन प्लस जेड टू बराबर जेड वन प्लस जेड टू हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब जो कोलिनियर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही सरल रेखा में होंगे, और यदि जेड वन प्लस जेड टू इसको खोलते तो इसमें भी कॉस का टर्म आता और ये वाला भी कॉस का टर्म आता, तो अगर दोनों के थीटा हम 90 डिग्री ले लेते तो वो कॉस के टर्म बचवा ही ना करते, तो इसलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इक्वल टू कितना पाई बाई टू, किसके लिए, इसके लिए। चलिए अगला सवाल, ठीक है भैया क्लियर है सब लोग को यहाँ तक, चले आएंगे 10 लोग बने हुए आज तो जबरदस्त सहयोग है भाई। जी सर, जी सर। हाँ 13 लोग थे, 2 ही लोग गए हैं बाहर। खाना ना खाया सर? अरे सर हम तो आपका कॉन्फिडेंस मिल जाए, खाना की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, यदि x प्लस चलिए सर जब तक 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद खाना पका लीजिएगा। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू कॉस थीटा है ना सर, तो आपको मतलब बताना है x की पावर n प्लस वन अपॉन x की पावर n,
बेहद प्रतिष्ठित क्वेश्चन है सर ये यूपीटी टू कॉस एन थीटा टू कॉस एन थीटा सर हाँ सॉरी बिल्कुल टू पावर एन आएगा सर टू पावर एन कॉस एन थीटा बिल्कुल टू पड़े सर बिल्कुल सही है सर टू कॉस एन थीटा टू की पावर एन नहीं आएगा टू कॉस एन थीटा आएगा इसमें एक्स बराबर ले लीजिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा तो वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन एक्स का मतलब हो जाएगा वन अपॉन एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस वन बराबर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा तो एक्स की पावर एन बराबर कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा और वन अपॉन एक्स की पावर एन का मतलब हो जाएगा प्लस कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा क्योंकि एक्स की पावर एन को लिख सकते हो एक्स की पावर माइनस एन और यहाँ पे पावर माइनस एन लगाओगे तो यहाँ पे एन एन आ जाएगा है ना चलिए हाँ डिमावेरस थ्योरम जोड़ दीजिए तो आंसर आ गया टू कॉस एन थीटा बिल्कुल सही जवाब चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों अगला सवाल हर बार एक क्वेश्चन वर्गमूल का आता ही है ए प्लस आई बी क्या होगा याद रख लीजिए बाहर लगाइए प्लस माइनस अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस लगाइए अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस लगाइए रूट के अंदर मॉड ऑफ जेड प्लस ए बाई टू और रूट के अंदर मॉड ऑफ आई लगा के मॉड ऑफ जेड माइनस ए बाई टू चलिए तो सवाल हो जाए क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन हो जाए लिखिए भाई माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़ अनावश्यक जिनका माइक ऑन हो प्लीज़ म्यूट कर लें है ना जहाँ खटर पटर हो रही वहाँ म्यूट कर लें बाकी जगह म्यूट ना करें कोई आप लोग की आवाज़ भी आनी अच्छी लगती है चलिए अंडर रूट 24 प्लस 7 आई बताइए क्या होगा इसका इसका वर्गमूल बताइए एक वर्गमूल का क्वेश्चन आता हर बार बहुत ही सरल तो प्लस है भैया तो प्लस माइनस बीच में प्लस लगा दीजिए और माइनस होता तो माइनस तो प्लस है तो प्लस अंडर रूट जेड का मॉड 24 और 7 25 हाँ 25 तो 25 प्लस 24 बटे 2 और प्लस आई करके 25 माइनस 24 बटे 2 रूट के अंदर पूरा मामला रहता है हाँ जी चलिए बताइए 25 24 49 प्लस माइनस रूट 7 हाँ ये तो 7 बटे रूट 2 और प्लस 1 बटे रूट 2 और आई रहेगा तो आंसर प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 कॉमन 7 प्लस आई नोट कर लीजिए ये है आंसर इसका वर्गमूल और दूसरा सबसे पहले ऑप्शन को देख करके चार ऑप्शन में स्क्वायर कर दे मगर थोड़ा सा वक्त लग जाता है वर्ग कर लो सर बिल्कुल सर सबसे आसान का ट्रिक है इसका हां तो उसको सीधे स्क्वायर कर दे तो आंसर है खत्म कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है शॉर्टकट बता दिए सर कि जो ऑप्शन है वही स्क्वायर कर दीजिए आंसर आ जाएगा यही है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है ठीक है ना चलिए एक क्वेश्चन करिए एक क्वेश्चन बताइए अंडर रूट आई कितना होगा तो अंडर रूट आई को क्या लिखेंगे 0 प्लस आई रूट निकालिए 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 बिल्कुल सही 1 प्लस आई अपॉन अंडर रूट 2 ऐसा लगा जैसे आकाश सर जुड़े हुए हैं आकाश सर की आवाज थी क्या ये सत्यम शंकर अच्छा सत्यम सर सत्यम सर आकाश सर बहुत बिजी चल रहे हैं इसमें रूम शिफ्ट कर रहे हैं परसों मेरी बात हुई थी उनसे अच्छा 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 आकाश सर की भी थोड़ा ऐसी आवाज़ लगती है जैसे पान खा के बात कर रहे हैं उसे थोड़ा सा दबी हुई आवाज़ पतली आवाज़ है उनकी बहुत पतली आवाज़ है चलिए सर देखिए सर कैसे करते हैं इसको ये अंडर रूट आई है अंडर रूट आई को मैं लिख सकता हूँ आई की पावर 1/2 और आप जानते हैं आई बराबर होता है कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू का पावर 1/2 कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाए बाई फोर घुस गया 1/√2 प्लस आई साइन 1/√2 ठीक है मित्रों तो कितना आ गया हाँ भैया साइन पाए बाई फोर यानी 1/√2 तो आंसर आ गया 1 प्लस आई बाई रूट टू बहुत ईजी क्वेश्चन है आई की कोई भी पावर अगर आपको आ जाए तो ऐसे ही करना है आपको इसी तरीके से चलिए अगला धांसू क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है भाई एग्ज़ाम में यूपी टीजीटी का अगला क्वेश्चन आई प्लस रूट 3/2 का होल पावर 2019 प्लस आई माइनस रूट 3/2
का होल पावर 2019 का मान क्या होगा? ओके बताइए इसका मान क्या होगा। ए ऑप्शन है 0, बी है आयोटा, सी है 2 आयोटा और चौथा है माइनस आयोटा। ये ऑप्शन आए इसके चारों के। चलिए इसको देख करके कुछ याद आ रहा होगा आपको। हाँ रूट ऑफ इनफिनिटी याद आ गया। हाँ ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल सही सर। इसको देख के कुछ याद आ रहा है कि जो ओमेगा होता है वो होता है -1 + i√3/2 और जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो होता है -1 - i√3/2। तो देर किस चीज़ की है? एक आई का मल्टीप्लाई ऊपर करिए और एक आई का मल्टीप्लाई नीचे करिए। तो अंदर ही अंदर यदि आपने आई का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 2i और ऊपर आई स्क्वायर -1 + i√3/2i2019 और प्लस इसमें आई का मल्टीप्लाई करो तो -1 और -i√3/2i2019। अब समझो भैया इतना पार्ट जो है ये क्या है ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन आई की पावर 2019 और ये क्या है इतना पार्ट जो है ये है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई की पावर 2019। ठीक है ना। अब आप जानते हैं ओमेगा की पावर में या ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3 का कोई भी गुणक हो तो 1 वैल्यू हो जाती है। तो 9, 2, 11 और 1, 12 मतलब ऊपर वैल्यू की कितनी हो गई 1 और नीचे आई की पावर 2019 और यहाँ भी ऊपर की वैल्यू 1 और नीचे आई की पावर 2019 मतलब 2/i/2019। अब आई की पावर 2019 कितना होगा भैया? आई की पावर 2019 में 4 का भाग दे दो 19 में लास्ट के दो डिजिट में, 4 × 3 = 12, 4 × 16 आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे सर, आई क्यूब हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, 2/i³ और 2 / i³ हो गया और आई का ऊपर आई का नीचे मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ गया 2i। सी ओमेगा कैसे सिंपलीफाई किए फिर से बताएंगे आप? ओमेगा कैसे सिंपलीफाई किए बिल्कुल बता देते हैं सर। देखिए यहाँ पे था 1 + √3/2019। हमने क्या किया, हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है -1 + i√3/2 ये होता है ओमेगा। तो हमको लगा यदि हम आयोटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा का नीचे कर दें तो आयोटा का हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 + i√3/√3 और नीचे बन गया 2 आयोटा और पावर रहने दिए ऊपर 2019 मतलब हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, आयोटा बन जा आयोटा और माइनस प्लस कितना हो गया यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा -1 + i√3/2 और ये बाजू में 1 / i। सर माइक नोट कर लीजिए आवाज, ये 2019 ये भी हो जाएगा। हाँ सर सर आपका आ रहा सर माइक, अब ठीक है सर। तो भैया ये हो गया, अब इसको क्या बोलते हैं अपन, ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा की पावर 2019 और 1 की पावर तो वही होगी आयोटा की पावर 2019। ओमेगा की पावर 2019 कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 3 का कोई भी गुणक हो तो वैल्यू क्या होती है 1 और ये 3 का ही तो गुणक होता है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है सर? जी सर जी सर। चलिए जी सर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भैया यदि TGT का क्वेश्चन फिर से, यदि x = 1 + i है तो x³ + x²+x² + 1 का मान क्या होगा? मित्रों देखिए यदि ये आइडेंटिटी आया करे ना तो तुरंत एक्स स्क्वायर के पीछे भागा करिए। क्यों? क्योंकि भैया स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 + 2i और -1 मतलब ये खेल हो गया इसका, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2i। बस अब क्या कर दो भैया, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर है प्लस कितना है 1 है।
ठीक है, तो चलिए एक्स स्क्वायर का होल क्यूब मतलब 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस खुद में 2 आयोटा और प्लस में कितना 1, 2 आयोटा का होल क्यूब कितना आ जाएगा माइनस 8 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 और हो गया ये माइनस 4 है ना, और प्लस 2 आयोटा और प्लस कितना 1, 8 में से 2 गए तो बच गया माइनस 6 आयोटा और माइनस 3, माइनस 3 माइनस 6 आई, बिल्कुल सही माइनस 3 माइनस 6 आयोटा। तो ये है आंसर और लास्ट लाइन आज के लेक्चर की, लिखिए वर्ग सम आव्यूह। वर्ग सम आव्यूह पूछा गया है पिछले साल कि क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जी हाँ, तो कई लोगों ने सोचा आई का वर्ड आई होता है तो लगा दिया ए स्क्वायर बराबर आई, जी नहीं, ए स्क्वायर बराबर ए होता है इसमें। अगर आई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए तो इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी, और ये होता है आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट। और ए की पावर एम बराबर ओ हो जाए तो उसको निलपोटेंट बोलते हैं। हाँ बहुत सही सर, अगर ए की पावर एम बराबर एम जीरो जीरो हो जाए निल हो गया तो इसको बोलते हैं निलपोटेंट। ऑर्थोगोनल होता है सर ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई, लिख लीजिए ऑर्थोगोनल यानी लाम्बिक आव्यूह। लाम्बिक आव्यूह जो होता है वो होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, थोड़ा माइक म्यूट कर लें, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई तो ये कहलाता है ऑर्थोगोनल। ए की पावर एम बराबर जीरो ये कहलाता है निलपोटेंट, ए इंटू ए की पावर स्क्वायर बराबर आई आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना, और ए स्क्वायर बराबर ए सॉरी आइडेम्पोटेंट और ए स्क्वायर बराबर आई इनवॉल्यूटरी। तो इसी में कन्फ्यूजन होता है, देखिए आइडेम्पोटेंट में इस हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग सम, वर्ग करने पर भी जो समान बना रहे उसे वर्ग सम बोलते हैं, तो इसको हिंदी में पकड़ना भैया, तो ए स्क्वायर बराबर ए। चलिए मित्रों तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाए, काफ़ी क्लास हो गई आज की, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो शेयर कीजिए। क्लास रखेंगे नहीं, कल संडे होगा, कल क्लास सर कल क्लास रखेंगे जहाँ तक मेरा तो पूरा